वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत खुश होती है। फिर वो लड़की अपने घर जाती है और टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करती है और कहती है, मेरा नाम मिनी है, मैं 15 साल की हूँ। मेरी मॉम ने मेरे डैड की डेथ के बाद मेरे सौतेले पिता पास्कल से कुछ सालों पहले शादी कर ली थी, जिससे मेरी बहन का जन्म हुआ। पर मेरी मॉम अब उनके साथ नहीं रहती क्योंकि अब उनका एक बॉयफ्रेंड है जो ज़्यादातर हमारे घर पर ही रहता है, जिसका नाम है मोनरो। कई बार जब हम साथ रहते हैं तो मैं अच्छा महसूस करती हूँ। उस दिन मोनरो को क्लब जाने का मन था लेकिन मेरी मॉम का मूड नहीं था, तो उन्होंने खुद की जगह मुझे मोनरो के साथ क्लब में भेज दिया, जहाँ पर मोनरो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। तब मिनी ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। उसने पहले इस बात को मजाक में लिया लेकिन आखिरकार वो उसे मना ही लेती है। जस्ट किया और फिर मोनरो उसे अपने घर ले जाता है। वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी हम प्रेजेंट की स्टोरी में आते हैं, तो मिनी ने अपनी फ्रेंड किमी को कॉल किया और उसने वो सारी बातें अपनी फ्रेंड किमी को बताई। और उसकी फ्रेंड को ऐसा लगता है कि मोनरो मिनी का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन मिनी को ऐसा कुछ नहीं लगता। तभी उसे लगता है दरवाजे से कोई उसे सुन रहा है। ऐसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ उसकी छोटी बहन होती है। को कई बार लगता था कि उसकी लाइफ में भी कोई हो जो उसे प्यार करे, उसकी केयर करे, उसे खुश रखे। वो काफ़ी अकेली थी। वो दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और कहती है, अब तक मैं मोनरो के साथ बार बार इंटीमेट हो चुकी हूँ और उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो अब काफ़ी खुश होती है। मोनरो अब इन सब चीज़ों को रोकना चाहता था लेकिन वो ऐसा ही रखना चाहती थी। उसे कॉमिक्स भी वैसी ही पसंद आती थी। एक दिन उसके पास उसके सौतेले पिता पास्कल का कॉल आता है, जो उसकी काफ़ी केयर करते हैं और उसे अपने पास बुलाने को कहते हैं। पर मिनी वहाँ नहीं जाना चाहती थी। अब मिनी को उसके स्कूल में देखते हैं। वो एक लड़के से मिलती है, वो उसके साथ उसके घर चली जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मोनरो को मिनी की हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि मिनी किसी और के साथ भी इंटीमेट हो गई है। वो मिनी के स्कूल जाता है और उसे अपने साथ टॉक पर ले जाता है, उसे अपनी बोर्ड दिखाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर मिनी मोनरो को शादी के लिए पूछती है। उसे लगता है कि वो उससे प्यार करती है। मोनरो उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड होता है और उन दोनों के बीच काफ़ी एज डिफरेंस है। पर मिनी अपनी बात मनवाने के लिए काफ़ी जिद करती है लेकिन मोनरो उसे डांट देता है। रोने लगती है और फिर मिनी की फ्रेंड मिनी से मिलने उसके घर आती है। वो उसे बताती है कि वो कैसे लड़कों को छेड़ती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मिनी के बर्ताव को देखकर डर जाता है और वो जैसे ही घर आती है उसकी मॉम उन्हें बताती है कि उनकी जॉब चली गई है। एक दिन मिनी और उसकी फ्रेंड फन के लिए प्रोस्टिट्यूट बनते हैं, पर जैसे वो नेक्स्ट डे उठते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उनका ये बहुत ख़राब आइडिया था। मिनी अपने सौतेले पिता पास्कल के पास जाती है और वो उन्हें कहती है कि मॉम की जॉब चली गई है और उनसे पैसे की प्रॉब्लम के बारे में बोलती है और कहती है कि मॉम आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं मांगेगी, तो प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए। और फिर वो उन्हें अपने घर ले जाती हैं जहाँ उसकी मॉम नहीं होती लेकिन उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड मोनरो होता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मिनी के घर पर पार्टी होती है। फ्रेंड मोनरो और मिनी तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। फिर मोनरो मिनी को कॉल करता है जो कि बहुत नशे में होता है। मिनी को तब लगता है कि मोनरो भी उससे प्यार करता है। फिर एक दिन मोनरो की बातों से उसकी मॉम को शक हो जाता है। मोनरो और मिनी के बीच कुछ चल रहा है। मोनरो उसकी मॉम को उसकी बातों से समझा लेता है। मिनी ये सब कुछ चुपके से सुन रही होती है और जब वो दोनों मिलते हैं तब मोनरो उसे कहता है कि हमें ये सब बंद करना होगा और मिनी भी आसानी से इस बात को मान जाती है। उसे किस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और मिनी मोनरो से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ वो उसके साथ जाकर सो जाती है और कहती है, मैं कुछ दिनों पहले एक लड़के से मिली थी जिसके साथ इंटीमेट होकर मुझे बहुत मज़ा आया था। जिसकी बात सुनकर मोनरो बहुत उत्तेजित हो जाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मोनरो उससे कहता है कि वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता है लेकिन मिनी उसे मना कर देती है। तो मिनी अपने दोस्त के साथ रहने लगती है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मोनरो को मिलवाने जाती है, और उन्हें बात होती है, दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब मिनी घर आती है तो उसकी मॉम उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। उसकी मॉम को सारी बातें पता चल जाती है लेकिन ये सब मिनी की वजह से हुआ था, तो उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है। नेक्स्ट डे उसकी मॉम उसे एक बार में बुलाती है और वहाँ उसकी मॉम के साथ मोनरो भी था। उसकी मॉम उन दोनों की शादी करवाना चाहती थी, जिसमें मोनरो भी रेडी था, लेकिन मिनी अब उसे शादी करना नहीं चाहती थी, जिससे वो घर छोड़कर अपने दोस्त के पास चली जाती है, जहाँ वो उसकी फ्रेंड लेस्बियन होती है और वो उसके साथ रहने लग जाती है।
उसकी फ्रेंड काफ़ी नशा करती थी तो मिनी भी उसके साथ रहकर नशा करने लग गई थी। फिर एक दिन नशा करने के लिए पैसे ना होने के कारण उसकी फ्रेंड ने मिनी को एक ड्रग डीलर के साथ इंटीमेट होने को कहा। जैसे वो वहाँ से भाग जाती है तो घर छोड़ने पर काफ़ी दुख होता है, तो वो अपने घर वापस चली जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम होती है जो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। जैसे ही मिनी अपने रूम में जाती है तो उसे कॉमिक कंपनी का लेटर मिलता है। अच्छे अच्छे कॉमिक्स में काम करने को कहा गया था। असल मिनी को कॉमिक्स का बहुत शौक था। उसने कुछ कॉमिक्स बनाकर कंपनी को भेजे थे और मिनी काफ़ी बदल चुकी थी। घर छोड़ने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो सब गलत कर रही थी, और फिर मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी, द डायरी ऑफ अ टीनेज गर्ल, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।